ओके तो फ्रेंड्स वेलकम है आप सब लोगों का वो कैब की सेकेंड वॉल्यूम में। और देखिएगा आज आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, आप देखिए इनको, स्पेशल 10 वर्ड्स नोट हैं आपके लिए, आप इनको नोट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और आते भी हैं। देखिएगा पहला जो वर्ड से लिखा है ऑफुल, ठीक। ऑफुल के कुछ सिनोनिम्स आपके सामने हैं, देखिएगा ड्रेडफुल, टेरिबल, अनप्लीजेंट। ऑफुल कह सकते हैं कि डरावना, भयंकर, टेरिबल, अनप्लीजेंट, जिससे दूर हटें, जिसको पसंद ना करें, बहुत डरावना हो, ठीक। तो ये आपके कितने 1, 2, 3 और 4 वर्ड्स हो गए, ठीक। इसके बाद सेकेंड वर्ड पे पहुंचते हैं, देखिएगा एबॉलिश। एबॉलिश, एबॉलिश क्या है? किसी चीज़ को ढा देना, नष्ट कर देना, मिटा देना। तो देखिएगा डिस्ट्रॉय, रिमूव, इरेडिकेट, नलीफाई, और एक वर्ड मैं और अपनी तरफ से ऐड कर दूं, एलिमिनेट। एलिमिनेट ये भी क्या है? इसी का सिनोनिम्स कह सकते हैं आप, ठीक। अब थर्ड वर्ड पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे क्या नोट डाउन है, क्या लिखा है? कैच। कैच पकड़ना किसी चीज को, कैप्चर, सीज, अरेस्ट, एप्रीहेंड। आप नोट कर सकते हैं और इजीली वे में समझ सकते हैं। मोटर बाइक्स वगैरह को सीज किया जाता है, स्पेशल यूज होता है उसी के लिए ये। और देखते हैं कॉज, अब हमारा नया वर्ड क्या है? कॉज। फोर्थ नंबर पे आप पहुंचे, कॉज। कॉज कारण, रीजन, वजह, रीजन, पर्पज, मोटिव, ठीक। तो ये आपके सिनोनिम्स कॉज के ये हो गए। अब जो नया वर्ड है वो ये है डिक्रीज। 5 नंबर पे क्या नोट है? डिक्रीज। डिक्रीज कम करना, घटाना, डिक्लाइन कर देना, पतन होना। रिड्यूस कमी, घटना, कम कर देना। डिक्लाइन डिमिनिश लेसन, ठीक। ये थे आपके वर्ड। अब पहुंचते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पे नोट डाउन है फ्रेगाइल। क्या नोट डाउन है? फ्रेगाइल। फ्रेगाइल क्या है? जो बहुत ही नाजुक हो, तुरंत टूट जाए, आप उसको कह सकते हैं क्षणभंगुर, ठीक। ब्रेकेबल, ब्रेकेबल जो टूट जाए। डेलिकेट नाजुक, यानी वो भी वही है कि जो आसानी से इजीली टूट सके, टूट जाए। डेंटी और वीक तो आप लोगों को पता ही होगा कि कमज़ोर के होते हैं, यानी फ्रेगाइल के जो सिनोनिम्स थे वो कौन कौन से हो गए? ब्रेकेबल, डेलिकेट, डेंटी, वीक, दैट्स इट। अब 7th नंबर पे जो वर्ड है वो है ल्योर। ल्योर क्या है? ल्योर की मीन्स होते हैं फुसलाना, बहकाना, लुभाना, या जो चीज़ आपको फ्रेंड्स अट्रैक्ट करे, लुभाए, ठीक। तो देखते हैं बैट, अट्रैक्ट, और क्या है? गिमिक और टेम्पटेशन, जो आपको टेम्प्ट करे, लुभाए, अट्रैक्ट करे, ठीक। अब 8th नंबर पे जो वर्ड है वो ये है, आप फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं पहले वर्ड्स, इसके बाद आप इजीली समझें शब्दों को, इन वर्ड्स को। मैं बता दूं आपको कि ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में ये वर्ड्स पूछे जाते हैं, SSC हो, MTS हो, TGT हो, PGT हो, पूछे जाते हैं। अब पहुंचते हैं क्वेस्ट। क्वेस्ट क्या है?
किसी चीज़ को सर्च करना, खोजना, तलाश करना, तो एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ठीक। फिर है प्रोब और इंक्वायरी, इंक्वायरी सर्च, ढूंढना, तलाशना, इंक्वायरी करना, प्रोब करना, एक्सप्लोरेशन करना ठीक। अब पहुंचते हैं नाइन्थ नंबर पे। नाइन्थ नंबर पे आपका जो वर्ड है ये है, नाइन्थ नंबर का जो वर्ड है वो क्या है, जेनिथ। क्या है? जेनिथ। जेनिथ क्या है? शिखर, टॉप, चोटी। समिट, टॉप, पीक और क्लाइमैक्स। एपेक्स, ये आपके क्या थे? जेनिथ के सिनोनिम्स थे फ्रेंड। अब इसके बाद जो आखिरी वर्ड है वो है आपका गार्बेज। गार्बेज कूड़ा, कचरा। लिटर, ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ट्रैश, रबिश, वेस्ट, जंक, ये क्या हुए फ्रेंड्स, आज के वॉल्यूम 2 का पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ। ओके, सो लेट्स फ्लाई।